नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं गांव ढाणियों की खबरों के साथ। कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू जिले के लालपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, हादसे में 11 लोगों की मौत, वहीं 8 लोग घायल हो गए। सर्व ब्राह्मण महासभा जिला अध्यक्ष लव कुश शर्मा की अगुवाई में राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा का सम्मान किया गया। सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब एक साल पूर्व मानपुरा गांव में विद्युत कर्मचारियों पर हुए जानलेवा हमले के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बाड़ी उपखंड के कांकरई गांव के पास से वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने एक 4 महीने के पैंथर का रेस्क्यू किया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने जुताया और भैरूखेड़ा में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का जायजा लिया। ताजपुरा गांव में आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ में 22 विवाहित जोड़ों ने हवन यज्ञ में आहुतियां दी। श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर द्वारा श्री बालिका समृद्धि योजना के तहत चयनित परिवार के बेटी की शादी में उपहार सामग्री भेंट की गई। सरवाड़ पंचायत समिति उप प्रधान ममता देवी जाट के घर में 2 बच्चियों की शादी समारोह में पहुंचकर विधायक रघु शर्मा और सागर शर्मा ने वर वधु को आशीर्वाद दिया। अजमेर जिले के ब्यावर में भाजपा ने चलाया पोषण अभियान। नागौर जिला मुख्यालय पर ब्लॉक आशा समन्वयकों और आशा सुपरवाइजर की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। हनुमानगढ़ जंक्शन की नई धान सहकारी समिति में गेहूं की खरीद शुरू करवाई गई। हनुमानगढ़ के गांव धोलीपाल में महंत पूर्णानंद गिरि महाराज की 11वीं पुण्यतिथि और श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। अनूपगढ़ की पौष कॉलोनी आदर्श कॉलोनी इन दिनों पेयजल की समस्या से गंभीर रूप से जूझ रही है, मगर जलदाय विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। नागौर जिले के मुंडवा में अस्पताल में निस्वार्थ सेवा देने वाले दीपक सैनी के असामयिक निधन के बाद पूरे स्टाफ ने फर्ज निभाया है। नागौर जिले के अड़वड़ के राजकीय बालिका विद्यालय में गर्मी के मौसम को देखते हुए विद्यालय परिसर में पक्षियों के परिंडे लगाए गए। मेड़ता सिटी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान करके बच्चों को पौष्टिक आहार और खिलौने बांटे गए। नागौर जिले के थावला पुलिस ने बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक ट्रैक्टर लोडर को जब्त किया है। नागौर जिले के मुंडवा के वीर तेजाजी महाराज महाविद्यालय तेजास्थली की छात्रा ने अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जीता है कांस्य पदक। करौली में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने ग्राम पंचायत इनायती में मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया है। डूंगरपुर जिले के बनकोड़ा में श्री अजीतनाथ जैन श्वेतांबर में श्री पंचकल्याणक पूजा का आयोजन किया गया। श्री डूंगरपुर जिले के ज्ञानपुर में 24 अप्रैल को आयोजित होने वाले श्री गुजराती पाटीदार समाज के महासम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत भाग लेंगे। डूंगरपुर जिले के देवबड़ा में जिला श्रम अधिकारी मोहम्मद अब्बास ने बैठक ली। डूंगरपुर जिले के भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष नाथू लाल पाटीदार ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया, जहां बंशी लाल शर्मा को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। डूंगरपुर जिले के पादरड़ी बड़ी में युवाओं के लिए करियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। बारा जिले के छपड़ा में विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने हिंगलोट बांध का जायजा लिया। बारा जिले के शाहबाद में सहरिया परिवारों को 4 महीने का राशन किट दिया गया है। बारा जिले के छत्रपुरा में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा निर्माण कार्य हल्की गुणवत्ता से किए जा रहे हैं। बारा जिले के मुंडवा गांव में भागवत कथा के दौरान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बारा जिले के अंता के पास सड़क दुर्घटना में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की मौत हो गई। मृतक की पहचान कोटा निवासी धर्मेंद्र सिंह के रूप में की गई। सीकर के नीम का थाना इलाके में एक सरियों से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। गनीमत रही के हादसे में कोई जनहानि नहीं। सीकर जिले के अजीतगढ़ में पहाड़ पर अचानक आग लग गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में पुलिस ने 15 साल से फरार चल रही 4 अस्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। सीकर जिले के रिंगस में आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत की खबर है। सीकर के रिंगस अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक और उसके परिजनों के सड़क हादसे में मौत के बाद पैतृक गांव ठिकरिया में अंतिम संस्कार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने करौली में हुए उपद्रव के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर गृह सचिव को ज्ञापन सौंपा। 2 अप्रैल को करौली में हुए उपद्रव मामले में नगर परिक्रमा समिति के अध्यक्ष जीतू शुक्ला का नाम बेवजह जोड़ने की शिकायत परिजनों ने गृह सचिव से की है। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में एक ठेकेदार की हुई मौत। मृतक के भाई ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में महिला का दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने अश्लील वीडियो बनाया। धमकी से आहत होकर महिला ने खुदकुशी कर ली। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में ईंट भट्टे में काम करने वाली महिला की मौत। पुलिस जांच में जुटी है।
बड़क छतरी खेड़ा के वन क्षेत्र में करीब 2 करोड़ की लागत से वन विभाग लवकुश वाटिका बनाएगा। भाजपा किसान मोर्चा बप्पा वावर कला मंडल के 9 नियुक्त पदाधिकारियों का पूर्व विधायक हीरा लाल नागर ने स्वागत किया। नगर के पुराने बस स्टैंड पर शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लग गई, लाखों का माल जलकर राख हो गया। कोटा जिले के ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, वहीं 2 व्यक्ति घायल हो गए। सरदार शहर में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर के जन्मदिवस पर 1000 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। तिलवासनी गांव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आगमन पर सरपंच अनिल बिश्नोई ने गांव में विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। जोधपुर जिले के बिलाड़ा कस्बे के महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन पूर्व विधायक अर्जुन गर्ग ने किया। जोधपुर जिले के कापराडा गांव में बदमाशों ने कार चालक के साथ मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जोधपुर से दिल्ली जा रही अभिनंदन यात्रा का बिलाड़ा पहुंचने पर पालिका चेयरमैन रूप सिंह परिहार की अगुवाई में स्वागत किया गया। जोधपुर जिले के लूड़ी में तेज रफ्तार एसयूवी कार की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई, वहीं बेटा घायल हो गया। मोरनाड़ा में बाड़मेर रोड पर ऑटो की टक्कर से बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जोधपुर के फलोदी में छंगाड़ियों की गली में सुहागिनियों ने धींगा कबर की पूजा अर्चना की। जोधपुर जिले के फलोदी में अखंड रामचरित पाठ के लिए राम भक्त मंडल का दल रवाना हुआ। भारतीय सेना के जनरल कमांडिंग ऑफिसर योगेंद्र सिंह फलोदी के ढुंड गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने वीर चक्र स्वर्गीय हवलदार छोक सिंह राठौर को श्रद्धांजलि दी। जोधपुर जिले के बाप में घरेलू विद्युत लाइन की सर्विस लाइन टूटकर गिरने से 2 गोवंशों की मौत हो गई। तिवरी पंचायत समिति में विकास अधिकारी का पद रिक्त होने से लोग परेशान हैं। बांसवाड़ा के लियो स्कूल में स्काउट गाइड के होने वाले प्रोग्राम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बांसवाड़ा जिले के जानमेड़ी गांव में 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियाबासा गांव में ठेकेदार पर सड़क निर्माण का कार्य धीमी गति से करने का आरोप लगा है। बांसवाड़ा जिले के नए जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने अधिकारियों की बैठक ली। बांसवाड़ा जिले के बोधलापाड़ा गांव में चोर विद्युत ट्रांसफार्मर लेकर उड़े, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर जिले के नोखा में देर रात रेलवे स्टेशन के बाहर ट्रांसफार्मर में आग लग गई, दमकल ने काबू पाया। बीकानेर जिले के खाजूवाला में 2 बाइकों के बीच में टक्कर हो गई, हादसे में एक युवक घायल जिसका सीएससी में उपचार जारी। नोखा के विधायक बिहारी लाल विष्णु ने खाजूवाला दौरा, जहां उन्होंने जाट धर्मशाला में आमजन से भेंट की। बीकानेर जिले के नोखा में राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहर के नरमा रोड चौराहे पर धर्मकथा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। महिला थाना पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अखिलेश जैन ने राज्य सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। मोहनगढ़ में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण जारी, प्रशासन के मिलीभगत से रातों रात हो रहे हैं। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में खटारा एम्बुलेंस की वजह से मरीज परेशान है। फलसुंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दंत चिकित्सक का पद लंबे समय से खाली है। जैसलमेर जिले के रामदेवरा में पेट्रोल पंप बंद होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सादुल शहर के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। श्री विजयनगर थाना अधिकारी रामनारायण चोयल ने पैदल मार्च किया, बाजार में ट्रैफिक की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रीगंगानगर जिले के करड़वाला में प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन किया गया। श्री बालाजी सुंदरकांड मंडल ने अखंड राम नाम संकीर्तन शुरू किया है। भीषण गर्मी का दौर शुरू होते ही जहरीले जीवों का बाहर निकलना भी शुरू हो चुका है। ढाणियों में पिछले कुछ दिनों से लगातार ब्लैक कोबरा निकल रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में विधायक राजेंद्र सिंह बिदरूड़ी के प्रयासों के चलते रावत भाटा के भील बस्ती में पानी की समस्या का समाधान हुआ। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा के परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को डेमो देकर आग बुझाने के तरीके बताए गए। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में जीएसएस में शिविर का आयोजन, बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया गया। रेलवे स्टेशन पर आवारा पशुओं का आतंक, यात्री हो रहे परेशान, जिला प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन में परशुराम कुंड विकास के लिए प्रमोद कुमार बारेगामा को राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडावरे गांव में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, हादसे में 3 लोग झुलस गए। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू में क्रय विक्रय सहकारी समिति के सामने खाली जमीन पर झाड़ियों में आग लग गई। बाड़मेर जिले में श्रमिकों को पिछले 4 वर्षों से आवेदन सत्यापित नहीं हो पा रहा, श्रमिक लगातार श्रम विभाग के कार्यालय चक्कर काट रहे।
बाड़मेर जिले के देदासर गांव के पास हिरण को बचाने के चक्कर में पिकअप पलटी, हादसे में एक व्यक्ति की मौत और कई लोग घायल। दूदू पंचायत समिति प्रधान रवि चौधरी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मेले के आयोजन को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर पर जाकर पर्चे बांटे। पेड़बाड़ी कस्बे में गहराया पानी का संकट, प्रशासन से समस्या के समाधान की मांग। कोटबुदले में राजपूत युवा शक्ति टीम राजस्थान द्वारा समाज के गरीब बेटे के विवाह में आर्थिक सहयोग किया गया। कोटा भीम की ग्राम पंचायत लपावली में रास्तों में जमे गंदे पानी में पनप रहे हैं मच्छर। झुंझुनू जिले के डुमरा में विवाहिता ने की खुदकुशी, ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में संस्कृत विद्यालय शुरू करने पर विधायक राजकुमार शर्मा ने आभार प्रकट किया। भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक न्याय पखवाड़े के अंतर्गत भाजपा पदाधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों का अवलोकन किया। बाल विकास पर योजना के तहत महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की गई, वहीं अन्न प्रशासन और केक काटकर बेटी जन्मोत्सव मनाया गया। दौसा जिले के महुआ में स्कूल का नामकरण करने की मांग को लेकर भूतपूर्व सैनिकों ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। दौसा जिले के भावगढ़ गांव में ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र को समय पर दही खोलने के आरोप लगाया, जिसके चलते पोषाहार में भी दिक्कत हो रही है। दौसा जिले के सिकराय में पेयजल की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंचकर विरोध किया। करौली जिले के इंडौन सिटी में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा घायल। उदयपुर बांसवाड़ा स्टेट हाईवे पर आगे चल रहे ट्रेलर को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे के बाद ट्रेलर पलटा। कच्छेर गांव के जंगल में लगी आग, आग ने 70 से 80 बीघा वन क्षेत्र को अपनी चपेट में लिया। जाडोल के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में तंबाकू उत्पादों का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलवाई गई। उदयपुर जिले के भिंडर में प्रधान हरि सिंह करूड़िया ने नरेगा के काम का निरीक्षण किया, इस दौरान 14 श्रमिक अनुपस्थित रहे। तो फिलहाल यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।